गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 333 केंद्रों पर 41,605 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 30,326 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 9,801 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में लगभग 84% वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें सेकंड डोज 54.2% तथा 30% 15 साल से लेकर 17 साल के लोगों का किया गया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड टीकाकरण जरूर कराएं तथा कोविड के नियमों का पालन करें, क्योंकि इस महामारी से बचने का तरीका वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल ही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, भैया टीका कवर नहीं लग रहा, अच्छा भाग रहा हूं, पापा मान ले गया, ये सेकंड डोज है, जैसे ये सर्टिफिकेट 14 हां सेकंड डोज 89 मैसेज तो डाउनलोड कर रहा हूं, साइट पर कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कर ही दूंगा सर, पहले पहले चलिए तमाम कोई चैन के उधर हो रहा है, वैक्सीनेशन जो है हम ठीक हैं। वैक्सीनेशन पे हमारे यहाँ आज 300 टीमें काम कर रही हैं और अभी तक जो है हमारे यहाँ 40,000 लोगों की वैक्सीन लग चुकी है। बाकी पोर्टल हमारा अपडेट हो रहा है, चूँकि पोर्टल पर थोड़ा सा है, तो उम्मीद ये है कि आज भी हमारे यहाँ वैक्सीन करीब 50,000 के आसपास वैक्सीन लगी होगी और बाकी सब ठीक है। हमारे यहाँ आज हम लोग जो है 84% लोगों को वैक्सीन जो है लगा चुके हैं और सेकंड डोज में हमारी 54.2% हो चुकी है। 30% हमारे जो हैं 15 साल से लेकर 17 साल के लोग हो गए हैं और अभी मेरे पास उसका डाटा नहीं है, लेकिन यह है कि जो थर्ड डोज का था उसमें भी 4% लोगों को वैक्सीनेट कर चुका हूँ। जनता से सिर्फ मेरी एक ही अपील है कि कोविड का वैक्सीनेशन ज़रूर करावें, कोविड के नियम का पालन करें, क्योंकि आज की तारीख में कोविड से बचने का केवल एकमात्र सहारा जो है वो कोविड वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल ही है।